सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राजस्थान में राजपूत समुदाय के लोकप्रिय नेता थे। राजपूतों में उनका खास सम्मान था और युवाओं के पसंदीदा भी थे। करनी सेना का गठन सबसे पहले साल 2006 में हुआ था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने साल 2012 या लगभग 13 में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करनी सेना ज्वाइन की थी और इस करनी सेना की स्थापना लोकेंद्र सिंह कालवी ने की थी। लंबे समय तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी इस करनी सेना से जुड़े रहे थे, लेकिन बाद में करनी सेना में लोकेंद्र सिंह कालवी से कुछ विवाद होने के कारण इन्होंने 2017 में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से अपना अलग संगठन बना लिया था। तब से वह इस संगठन के अध्यक्ष थे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पद्मावती फिल्म का विरोध कर सुर्खियों में आए थे। बंसाली जी जयपुर आए थे, तब आपके गनमैनों ने हमारे लड़कों पर फायर किया और आप बदले में आपने थप्पड़ खाए थे। तब हम हथियारों से, राइफलों से, पिस्टलों से नहीं डरते, खाली आते हमारे लड़के। तो आगे से आप संभल करके रहो और इस देश को ISI और दाऊद के इशारे पर मत बेचो, वरना अब की बार उससे भी बुरा करेंगे हम। पद्मावती में राजपूत समुदाय के चरित्र का गलत चित्रण को लेकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नेतृत्व में करनी सेना ने देश भर में प्रदर्शन किया था। जब पद्मावती फिल्म की जयगढ़ में शूटिंग हो रही थी, तब गोगामेड़ी ने पद्मावती फिल्म का खूब विरोध किया था और इस दौरान फिल्म का विरोध करते हुए राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नेतृत्व में सेट पर तोड़फोड़ भी की थी और बंसाली पर भी हमला हुआ था। इन्होंने बंसाली को थप्पड़ भी जड़ दिया था। ये बहुत बार पढ़ा भी है और सुना भी है। फाइनली निर्माताओं को फिल्म का नाम भी बदलना पड़ा था। बाद में उस फिल्म का नाम पद्मावत रखा था। इस घटना के कारण फिल्म के कई सीन भी बदलने पड़े थे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राजपूत समुदाय के मजबूत नेताओं के नाम से जाने जाते थे। अनेक सम्मेलन व कार्यक्रमों के द्वारा राजपूत समाज को जोड़ने और राजपूत समाज की शक्ति का प्रदर्शन करने के कार्य वो करते रहते थे। इन्होंने जयपुर एंड भादरा में अपने कार्य को लेकर निवास स्थान बना रखा था। गोगामेड़ी मेले में भी होने वाले कार्यों में सुखदेव सिंह शेखावत की भूमिका रहती आई है। ये राजनीति से भी कनेक्टेड थे। उन्होंने गोगामेड़ी भादरा विधानसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जानकारी के अनुसार 2-3 हमलावर स्कूटी पर बैठ के इनके घर आए थे। इन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ बैठकर बातें भी की और करीब 10 मिनट के बाद अचानक उन्होंने गोगामेड़ी पर गोलियां चला दी। इस समय गोगामेड़ी के सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। क्रॉस फायरिंग के दौरान एक हमलावर और सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई। पूरे जयपुर में इस समय हाई अलर्ट है और राजस्थान में इस घटना से पूरे राजपूत समुदाय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से आक्रोश है।